रेडियो में मीठे शब्दों यानी गाली का प्रयोग किया गया है, इसलिए कान में हेडफोन डाल लीजिए। धन्यवाद। आउट या नॉट आउट है? क्या लगता है? भूख लगता है रोहित भाई, मोमोज खिला दो यार। ये मोमोज खाएगा तो मैं मच्छी खाएगा, बीच में से कटी हुई। हाँ रोहित भाई, इधर भी थोड़ी बियर मिल जाती तो। अबे मैच चल रहा है इधर, क्या कर रहे तुम लोग? और हाँ, मैं वड़ा पाव खाएगा। देख इधर, कैटरिंग वाले को बोल के चाइनीज लगवा देंगे, वो मेरे दोस्त की वड़ा पाव की दुकान है, वहां से वड़ा पाव मंगा लेंगे। मामला सेट है अपना। भाई लोग मैच शुरू हो, जिस बात का डर था ना वही हो गया, दीपक हुड्डा का डेब्यू हो गया। मेरे का धरती आसमान निकल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोरोना भाई मैच नहीं होने देंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पर क्या हुआ, वो घर पे गालियां देते रह गए और मैच शुरू भी हो गया। जैसे दीपक हुड्डा का डेब्यू अनाउंस हुआ ना, कृणाल भाई के घर का तो कुछ ऐसा हाल हो गया था। जब से दीपक हुड्डा ने डेब्यू किया है, सब लोग हम पे मीम बना रहे। सब लोग कह रहे कि गुस्सा होगा। मैं कभी गुस्सा नहीं होता, मैं बहुत खुश हूँ दीपक हुड्डा के लिए। क्या मतलब, मैं 5 मिनट पहले दीपक हुड्डा को गाली दे रहा था। मैं कभी गाली नहीं देता। दीपक हुड्डा के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हुड्डा हुड्डा दीपक हुड्डा, ज़्यादा रन बनाए तो तोड़ देंगे तुम्हारा गुड्डा। हेलो, ये एम्पायर लोग पहले कौन सा गांजा फूकते मुझे ये बताओ। ना इनको सर LBW दिखता है, ना एज दिखता है। जब ब्रूक्स की एज लगी थी वो आप बोलते आउट नहीं बैट नहीं लगा। एम्पायर लोग से तो आजकल पूछने गलत हो गया। इनका मानना ये है कि मैं एम्पायरिंग करने आया, एम्पायरिंग नहीं करेगा, सिर्फ ये सब करेगा। मैं कर रखना है तो रख। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रोहित ने पन से भी पूछा तो पन भी बोलता भाई बैट नहीं लगा, और वहां से फिर विराट कोहली बोलते बैट लगा, रिव्यू ले ले। और जब रिव्यू लिया तो बैट लगा था। अच्छा, इससे ये प्रूव हो जाता है कि पंत और एम्पायर दोनों सेम टाइप का गांजा भुगते है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। पंत बोल रहा है कि उसने एज लगते हुए नहीं सुना, हमसे पूछोगे तो हमें बड़ा गांडू आदमी लगता है। आप किस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब गांडू आदमी तो है ही वो, पर क्या करे, बेचारा डिप्रेशन में रहता है। उर्वशी जब से छोड़ के गई है, आँख कान काम करना दोनों बंद कर दिए उसके। करवाते उसके उर्वशी से बात थोड़ी। चहल भाई ने 100 रुपए के पेटीएम के नशे में 4 रुपए के हरभजन सिंह को दे दिए। हरभजन सिंह के आशीर्वाद से उन्हें 4 विकेट मिल गए। 100 रुपए के कैशबैक की जगह 1 लाख का मैन ऑफ द मैच लेके आ गए। अगर हमें पता होता कि हरभजन सिंह क्रिकेट के लक्ष्मी चिट फंड है, 4 रुपए डालो 4 विकेट ले जाओ, तो हम चड्डी उड्डी बेच के 25 लाख जमा करवा देते। मतलब रिटायरमेंट तक का इंतजाम हो जाता हमारा। फिर हम शांति से धनश्री के साथ टिकटॉक वीडियो बनाते, टिकटॉक स्टार बन जाते हम। ऐसे तैसे करके वेस्ट इंडीज ने 175 रन बनाए होल्डर की वजह से। हमें लगा है थोड़ी सी फाइट होगी, मजा आएगा। पर रोहित भाई, भाई क्या मारा है, मतलब साल भर का गुस्सा एक साथ निकाल दिया। बहुत मारा, बहुत मारा, मतलब मां चोट दी। और हमारी पोलार्ड भाई भी अलग स्वैग, मतलब जिस विकेट पे व्यूजी ने 4 विकेट लिया, सुंदर ने 3 विकेट लिया, वहां पे स्पिनर लाए ही नहीं जा रहे। स्पिनर भी लाए तो 10 ओवर के बाद, तब तक तो रोहित भाई अपने पेल के बैठ चुके थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। रोहित के आउट होने के बाद आए विराट, और ऐसा लग रहा था वेस्ट इंडीज की बैटिंग से 2 घुट मार के आए, मतलब 2 शॉट मारे और आउट हो गए। क्लियर हिसाब था भाई का। रात भर खास रहा था, जाके मेरे बाटली से 2 घुट मार ले जा। क्यों भाई लोग, वेस्ट इंडीज ना घर के रहे ना गांड के, सॉरी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लोटा, ये अश्लील है ये लोना। ना घर के रहे ना घाट के, वेस्ट इंडीज में जाके इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतती है, और यहाँ पे आते तो इन्हें पेल दिया जाता है, मतलब बहुत बुरा इन लोग के साथ। सही बात है, हमारे बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। वेस्ट इंडीज में मैच कराओ इंडिया जीतता है, इंडिया में मैच कराओ फिर भी इंडिया जीतता है, साला ये तुम्हारी इक्वलिटी। हम इतना कहना चाहेंगे, मेहमान को घर बुला के उसकी गांड कैसे मारी जाए, कोई टीम इंडिया से सीखे। मैच तो अपन लोग जीत गए, पर मीम्स भी बड़े दिल जीतने वाले आए, तो चलते मीम्स मामा रिव्यू की तरफ। 4 रुपए बेच के पेटीएम से 1 लाख रुपए लेने का घमंड है। फेबियन एलन वॉशिंगटन सुंदर, धत्री माँ की, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कृष्णा चहल एंड सुंदर। वेस्ट इंडीज प्लेयर्स युजवेंद्र चहल। कुलदीप यादव वॉचिंग वॉशिंगटन सुंदर्स परफॉर्मेंस इन फर्स्ट इंडिया बी लाइक, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंडियन बॉलर्स वेस्ट इंडीज बैट्समैन जेसन होल्डर अदर वेस्ट इंडीज बैट्समैन। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और सपोर्ट करना तो सब्सक्राइब करो। तब तक मिलता है आपको अगले वीडियो में।